नमस्कार मित्रों, हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूँ हमारे जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम लोग रिटेल बैंकिंग का जो फरवरी 2022 का एग्जामिनेशन हुआ था उसका मेमोरी बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसमें दोस्तों क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो लेसन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी फीचर ऑफ CRM सॉफ्टवेयर। CRM का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर का प्राइमरी फीचर क्या क्या है? ऑप्शन ए वन कर रहा है मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड सेल्स फोर ऑटोमेशन। सेकंड कर रहा है जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी और लोकेशन बेस्ड सर्विस। थर्ड कर रहा है कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन। अब देखिए, ऑप्शन ए है वन एंड टू ओनली, बी है वन एंड टू ओनली, सी है टू एंड थ्री ओनली, डी है वन टू एंड थ्री ओनली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा वन टू एंड थ्री ओनली। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वन टू एंड थ्री ओनली, यानी तीनों के तीनों जो है हमारे प्राइमरी फीचर है कस्टमर CRM सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है, फॉर अ फेल्ड ATM ट्रांजेक्शन, यदि कोई ATM ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है दोस्तों, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, अ कस्टमर ऑफ अ बैंक मे टेक अ रिकोर्स टू बैंकिंग ओम्बड्समैन। तो पहले तो वो कंप्लेन करेगा बैंक को, यदि कंप्लेन नहीं आया, यदि उसका कोई रिप्लाई नहीं आया तो दोस्तों वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकता है। कितने दिनों में? 10 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में, या नो टाइम लिमिट? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 दिन में। ठीक है, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन को जाने पर जाने का टाइम जो है वो है कितना दिन? 30 डेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन लीड टू एन अनफेवरेबल क्रेडिट स्कोर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपके बुक में दे रखा है ये चीज़, रिटेल बैंकिंग के मैकमिलन बुक में। तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि अनफेवरेबल क्रेडिट स्कोर के कारण बन सकता है? अवॉइडिंग ओवर लिवरेज, टू मेनी फॉर्म ऑफ क्रेडिट सच एज अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन अमंग फैमिली मेंबर्स, वन टाइम लोन EMI पेमेंट, टू मच अनसिक्योर्ड क्रेडिट सच एज मल्टीपल पर्सनल लोन। तो दोस्तों इसमें सबसे इसमें करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टू मच अनसिक्योर्ड क्रेडिट सच एज मल्टीपल पर्सनल लोन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि अनफेवरेबल क्रेडिट स्कोर को काउज करता है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, इन विच स्टेज अमॉन्ग डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ मार्केटिंग। आपके पास मार्केटिंग का अलग अलग प्रोसेस है, आपको बताना है किस स्टेज में एक ऑर्गेनाइजेशन जो है डिटेल एग्जामिनेशन लेता है मार्केट का और मार्केटिंग एनवायरनमेंट का, जिसमें इट वुड बी इंट्रोड्यूसिंग इट प्रोडक्ट। तो आपको बताना है, देखिए मार्केटिंग का अलग अलग स्टेजेस होता है, तो आपको उस स्टेज का नाम बताना है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एक डिटेल एग्जामिनेशन लेता है मार्केट का और मार्केटिंग एनवायरनमेंट का, जिसमें ये अपना प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा। ऑप्शन ए है मार्केट प्लानिंग, ऑप्शन बी है मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन, ऑप्शन सी है मार्केटिंग एनालिसिस, ऑप्शन डी है मार्केटिंग कंट्रोल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मार्केटिंग एनालिसिस। सो द करेक्ट आंसर विल बी मार्केटिंग एनालिसिस, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए कुछ सर्कमस्टांस आपके सामने लिखा गया है, आपको बताना है किस सर्कमस्टांस में रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन में बी कंसिडर्ड, यानी आपको लोन को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। पहला है अनफॉर्सीन इवेंट, मेजर इलनेस, सोशल फंक्शन रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट आउटले ऑफ फंड इन फैमिली ऑफ द बोरोअर और एनी अदर सर्कमस्टांस दैट मे अफेक्ट द रिपेमेंट कैपेसिटी। मतलब किसी भी बोरोअर के फैमिली में कोई ऐसा अनफॉर्चुन इवेंट आ जाए, ठीक है, और इलनेस आ जाए, सोशल फंक्शन आ जाए जिसमें आउटले ऑफ फंड का रिक्वायरमेंट हो। दूसरा है कि इनकेस ऑफ सैलरीड क्लास बोरोअर हु आर ऑन लॉट ऑफ पे ड्यू ड्यू टू लॉग आउट, स्ट्राइक, डिसिप्लिनरी एक्शन, डिटेल डिलेड पेमेंट ऑफ सैलरी बाई एम्प्लॉयर। थर्ड करा है डिलेड कंप्लीशन ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट। चौथा करा है डेथ और डिसेबिलिटी ऑफ द बोरोअर। पांचवा करा है डिफॉल्ट इन मीटिंग पेमेंट रिपेमेंट ड्यू टू द लैंडर एंड हैज डाइवर्टेड द फंड फॉर अदर पर्पज नॉट इन टर्म सैंक्शन। ऑप्शन ए है 1, 3, 4 and 5 ओनली, ऑप्शन बी है 1, 2, 4 and 5 ओनली, ऑप्शन सी है 1, 2, 3 and 4 ओनली, डी ऑल ऑफ दिस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। देखिए ये पांचवा को छोड़ दीजिए, क्योंकि पांचवा ये जानबूझकर डिफॉल्ट कर रहा है क्योंकि इसने फंड को डाइवर्ट कर दिया है, तो इसको तो आप रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे नहीं। लेकिन ये जो चारों केस है, ऊपर के चारों केस में आप रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटेल बिजनेस मॉडल अप्रोच कंबाइंस ऑल सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट विद कोहेसिव अप्रोच टू टैकल बिजनेस प्रॉब्लम। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिटेल बिजनेस मॉडल है जो कि सभी के सभी सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को कंबाइन करता है, साथ ही साथ कोहेसिव अप्रोच टू टैकल बिजनेस प्रॉब्लम। डिपार्टमेंटल अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच, स्ट्रेटजिक बिजनेस अप्रोच, सोशियो इकोनॉमिक अप्रोच। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सॉरी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच।
तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो सोशियो इकोनॉमिक आस्पेक्ट है ये कौन सा अप्रोच बताता है हमें, इंटीग्रेटेड अप्रोच। साथ ही साथ दोस्तों आप ये सब अप्रोच को भी एक बार देखिए जाइए, हो सकता है इस साल इस सभी अप्रोच से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो एक बार डिपार्टमेंटल अप्रोच, स्ट्रेटेजिक बिजनेस अप्रोच, सोशियो इकोनॉमिक अप्रोच को एक बार देखिए जाइए, इससे सवाल पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। होस्ट सिक्योरिटी मॉड्यूल्स, ये आपका डिजिटल बैंकिंग से सवाल है। ऑप्शन ए कह रहा है स्पेशल सिक्योरिटी प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर वेयर कार्ड डाटा इज स्टोर्ड। ऑप्शन बी कह रहा है इंक्रिप्शन प्रोग्राम जनरेटेड मॉड्यूल। ऑप्शन सी कह रहा है हार्डवेयर पीस दैट अ मालवेयर कैन नॉट क्रॉस। ऑप्शन डी कह रहा है टेंपर प्रूफ हार्डवेयर। तो दोस्तों होस्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम क्या होता है, एक इंक्रिप्शन प्रोग्राम होता है जनरेशन मॉड्यूल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर मार्केटिंग ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट। आपको डिजिटल प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है, इसमें से किसे यूज नहीं करेंगे, बल्क ईएमएस को, बल्क एसएमएस को, ईमेल कैंपेन को, सोशल मीडिया को, डीडीओएस को। तो करेक्ट आंसर है इसका डीडीओएस। बल्क एसएमएस आप यूज कर सकते हैं, ईमेल कैंपेन यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं डिजिटल प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए, लेकिन डीडीओएस का यूज नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। In order to safeguard the associated risk, eligible bank are permitted to undertake pension fund management through their subsidiary. ठीक है, तो बैंकों को पेंशन फंड मैनेजमेंट अपने सब्सिडियरी से लेना का परमिशन दिया गया है। कुछ कंडीशन है तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंडीशन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। पहला कह रहा है कि जो बैंक का नेटवर्थ होना चाहिए वो 1000 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये गलत है, वो 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 500 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, ये गलत स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है बैंक शुड हैव नेट प्रॉफिट इन द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल, ये सही है। इट हैज़ मिनिमम प्रिस्क्राइब कैपिटल इंक्लूडिंग कैपिटल कंजर्वेशन, और ये भी सही है। और दोस्तों इसमें लेवल ऑफ नॉन एनपीए जो है वो 3% से ज़्यादा नहीं चाहिए, ये भी सही है। तो दोस्तों ये पहला ऑप्शन गलत है, जो 1000 करोड़ लिखा हुआ है ये ध्यान रखिएगा, वो 500 करोड़ का लिमिट है। तो दोस्तों ऑप्शन को जरा देखिए, 1 only ये तो नहीं होगा, फिर कर रहा है 2 and 3 only ये भी नहीं होगा, फिर कर रहा है 2, 3 and 4 only ये सही है, और डी कर रहा है 1, 2 and 3 and 4 ये गलत है, ठीक है। तो कंसेप्ट आपका यदि क्लियर है पीएमएस यानी पेंशन फंड मैनेजमेंट के बारे में, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आपको हाउसिंग लोन को टॉप करना है तो टॉपिंग अप का क्या मतलब होता है। तो पहला कह रहा है कि आप एडिशनल लोन सैंक्शन कर रहे हैं सेकेंड हाउस को एक्वायर करने के लिए, आप एडिशनल लोन सैंक्शन कर रहे हैं प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने के लिए, आप एडिशनल लोन सैंक्शन कर रहे हैं स्टाम्प ड्यूटी ब्रोकरेज पे करने के लिए, आप एडिशनल लोन सैंक्शन कर रहे हैं फर्नीचर फिक्सर को न्यू हाउस में एक्वायर करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आप एडिशनल लोन सैंक्शन कर रहे हैं फर्नीचर फिक्सर को अपने हाउस में एक्वायर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक स्टार्टेड यूजिंग विच मॉडल फॉर असेसिंग क्रेडिट वर्थनेस ऑफ एप्लीकेंट व्हाइल प्रोसेसिंग रिटेल सेगमेंट लोन एप्लीकेशन। तो जब भी बैंक रिटेल सेगमेंट की लोन एप्लीकेशन को एक्सेस करती है तो कौन सा मॉडल को यूज करती है क्रेडिट वर्थनेस को एक्सेस करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी क्रेडिट रिपोर्ट, ठीक है। तो क्रेडिट रिपोर्ट यूज करती है दोस्तों बैंक, किसका यूज करती है, क्रेडिट रिपोर्ट का यूज करती है ये एक्सेस करने के लिए कि जो बॉरोवर है वो क्रेडिट वर्दी है या नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सिंपल सा क्वेश्चन है कि मिस्टर एम प्रोमिसेस हिज सन मिस्टर डी एम दैट ही वुड गिव हिम 25.5 लाख एग्जैक्टली आफ्टर 3 ईयर, मतलब 3 साल बाद जो है, ये 3 साल मान लीजिए फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर हो गया, तो 3 साल बाद 2.5 लाख रुपया मिलेगा, 2.5 लाख रुपया उसको मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों एनुअल कंपाउंडिंग बेसिस पे इंटरेस्ट है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट कंसीडरिंग द इंटरेस्ट रेट 10%। आज के डेट में उसका वैल्यू कितना होगा, आज के डेट में मतलब आज के डेट में उसका वैल्यू कितना होगा। तो दोस्तों आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, फ्यूचर वैल्यू दे रखा है, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1+r(n). फ्यूचर वैल्यू कितना है आपका, फ्यूचर वैल्यू है 2.5 लाख, और दोस्तों आर कितना लेंगे आप, 10% लेंगे यानी 1.1 लेंगे, और आपका दोस्तों टाइम कितना है, 3 साल है, तो 1.1 का क्यूब ले लीजिए। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 25 से 2.5 लाख / 1.331 आएगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। दोस्तों आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये केस स्टडी पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। पूछा गया था कि आपको 5 हाउसिंग लोन दिया गया है, आपको 5 हाउसिंग लोन एप्लीकेशन मिला है अलग अलग ब्रांचेस से रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेल में, और आप उस इंचार्ज है प्रोसेसिंग सेल का, और आपको सैंक्शन करना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन एज पर एलिजिबल LTV इन ईच केस, ये ध्यान में रखते हुए कि रिक्वायर्ड मिनिमम मार्जिन अदर स्टिपुलेशन एज पर एक्सटर्न गाइडलाइन। पहला केस देखिए, हाउसिंग लोन प्रपोजल है बिस्कुट प्लेस का, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी है 30 लाख का, स्टाम्प ड्यूटी है 2 लाख का, रजिस्ट्रेशन चार्ज है 1 लाख का। तो आपको बताना है कि LTV रेशियो बिस्कुट प्लेस का कितना होगा। ऑप्शन देखिए 25 लाख, 27 लाख, 30 लाख, 24 लाख।
दोस्तों क्वेश्चन बनाने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। ये LTV रेशो याद रखिएगा, 30 लाख तक मार्जिन 10% लेना है यानी LTV 90% होगा, 30 से 75 लाख तक मार्जिन 20% लेना है LTV 80% होगा, 75 लाख से ज़्यादा मार्जिन 25% लेना है LTV 75% होगा। मैं इसे थोड़ा जूम करने का प्रयास करता हूँ, वैसे आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों इसमें मैं चीज़ समझा देता हूँ दोस्तों, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल जूम इट। तो दोस्तों देखिए इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आप देखिए शायद दिख रहा होगा आपको। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि बैंक शुड नॉट इंक्लूड स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन चार्ज इन द कॉस्ट ऑफ हाउसिंग प्रॉपर्टी। मतलब बैंक हाउसिंग प्रॉपर्टी के कॉस्ट में स्टाम्प ड्यूटी को, रजिस्ट्रेशन को, अदर डॉक्यूमेंटेशन चार्ज को नहीं इंक्लूड करे, सो दैट देयर इफेक्टिवनेस ऑफ एलटीवी नॉर्म्स नॉट डाइल्यूटेड। लेकिन जिस केस में हाउस का कॉस्ट जो है 10 लाख से ज़्यादा नहीं है तो उस केस में स्टाम्प ड्यूटी को ऐड कर सकती है। अच्छा इस केस में बताइए हाउसिंग का कॉस्ट कितना है, 30 लाख है, तो इसमें तो स्टाम्प ड्यूटी सब नहीं लेना, यानी कि हमको 2 लाख और 1 लाख नहीं लेना है। तो 30 लाख पे आप देखिए दोस्तों, 30 लाख का केस में कितना LTV लेना है, 90%। तो 30 लाख का 90% कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 लाख हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी यदि 50 लाख है, फिर देखिए ये स्टाम्प ड्यूटी दे दिया है, रजिस्ट्रेशन चार्ज दे दिया है, ब्रोकरेज दे दिया है, तो इन सभी को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो दोस्तों 50 लाख के केस में LTV रेशियो कितना है, तो 30 से 75 लाख में 80% है। तो 50 लाख का 80% निकालिए तो कितना मिलेगा आपको, 40 लाख मिलेगा। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो LTV रेशियो के लिए ये चार्ट आप ध्यान रखिएगा तो आप क्वेश्चन को अच्छे से जवाब दे सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, थर्ड केस है। आप देखिए थर्ड केस में हाउसिंग लोन प्रपोजल है पिंक बिल्डिंग का, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी 75 लाख है, और स्टाम्प ड्यूटी देखिए, रजिस्ट्रेशन चार्ज देखिए, ब्रोकरेज चार्ज देखिए, यहाँ भी इन तीनों को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। और दोस्तों चूंकि 75 लाख है तो 75 लाख पे हम लोग 20% हमारा मार्जिन होता है, यानी LTV हमारा 80% होगा। तो 75 लाख का यदि आप 20% निकालेंगे तो 15 लाख होगा, तो 75 लाख में से 15 लाख घटाएंगे तो आपको 60 लाख मिलेगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, LTV इन केस ऑफ पिंक बिल्डिंग, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर है ना आपका। चलिए अब दोस्तों एक तो ये केस स्टडी आपको समझ में आ गया, LTV पे केस स्टडी पूछेगा तो आप इसका जवाब दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर अ काउंटर साइक्लिक मेजर द स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग रेट फॉर इंडिविजुअल हाउसिंग लोन सैंक्शनड अप टू 31 मार्च 2022 शैल बी। मतलब 31 मार्च 2022 तक इंडिविजुअल हाउसिंग लोन यदि सैंक्शन किया गया है तो उसका स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग रेट कितना होगा। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है 0.25%, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज 0.25%। आपके बुक में कुछ स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग रेट दे रखा है दोस्तों, तो उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्रोविजनिंग रेट आपके बुक में दे रखा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, उससे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर अ ब्रांच हेड ऑफ द बैंक, आप किसी बैंक के ब्रांच हेड हैं और आपने कुछ हाउसिंग लोन को सैंक्शन किया मिस्टर एम को और उनकी वाइफ मिसेस आर को सेल्फ ऑक्यूपाइड फ्लैट लेने के लिए, और वो ऑनर है 50-50 के रेशियो में। 31 मार्च का जो 2021 को ईयर ख़त्म हुआ तो दोस्तों उन्होंने इंटरेस्ट जो पे किया हाउसिंग लोन का वो 5 लाख था। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में दोस्तों मिस्टर आर और मिसेज आर जो है कितना टैक्स डिडक्शन बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कितना रिवेट उनको मिल सकता है, ये सवाल है। तो दोस्तों ऑप्शन ये देखिए, 2 लाख प्रत्येक आदमी, 2.5 लाख, और दोस्तों तीसरा कह रहा है 1 लाख। तो इससे पहले क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा एक हमारा सेक्शन 80C है, ठीक है। तो सेक्शन 80C में दोस्तों क्या कहता है कि प्रिंसिपल पे वो 1.5 लाख का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं ईच जॉइंट ऑनर, और दोस्तों इंटरेस्ट पे सेक्शन 24 कहता है कि 2 लाख का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं ईच जॉइंट ऑनर। तो यहाँ पे चूंकि इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है ना, देखिए ना लिखा हुआ इंटरेस्ट पेमेंट, तो इंटरेस्ट पेमेंट पे ईच जॉइंट ऑनर 2 लाख का टैक्स डिडक्शन ले सकता है। और दोस्तों वो एज पर कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 24 है। तो दोस्तों कितना है, 2 लाख, ठीक है, ध्यान रखिएगा सेक्शन 24 2 लाख का टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर पूछ रहा है कि मिस्टर एम एंड हिज वाइफ मिसेज आर विल बी इंटाइटल्ड फॉर टोटल डिडक्शन ऑफ डैश अंडर सेक्शन 80C ऑफ IT एक्ट 1961 फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट वाल प्रिंसिपल। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि 80C में 1.5 लाख का डिडक्शन मैक्सिमम ईच जॉइंट ऑनर ले सकते हैं, ठीक है, तो 1.5 लाख ईच ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है, टैक्स डिडक्शन के मामले में। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए थर्ड केस है आपके पास कि मिस्टर एस हैं, उन्होंने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को खरीदा जो कि सेल्फ ऑक्युपाइड है, अबाउट 30 ईयर एगो, 30 साल पहले खरीदा। अब मिस्टर एस ने को बैंक से सैंक्शन किया, आपके बैंक से लोन सैंक्शन किया कि उसे हाउसिंग प्रॉपर्टी को रिपेयर करना है, और इंटरेस्ट जो उस लोन पे मिला उन्हें 210,000 मिला, 210,000 उन्होंने पे किया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-2021। तो दोस्तों कितना टैक्स बेनिफिट उनको मिलेगा इस केस में? तो दोस्तों इन जहाँ तक बात है रिपेमेंट की, तो रिपेयर वाले केस में दोस्तों जो टैक्स बेनिफिट मिलता है वो आपका, उसके बारे में आपको बता दूँ दोस्तों, दोस्तों रिपेयर वाले केस में टैक्स डिडक्शन का मैं आपको नियम थोड़ा समझा देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको एग्जामिनेशन में हेल्प मिले, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यदि आपने होम लोन लिया है रिनोवेशन के लिए लिया है, रिपेयर के लिए लिया है, अल्ट्रेशन के लिए लिया है, तो दोस्तों आप सेक्शन 24B में, ध्यान रखिएगा, सेक्शन 24B में इंटरेस्ट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और दोस्तों डिडक्शन जो कैप है वो है 30,000 पर साल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हमने सेक्शन 80C देखा, 80C में हमने कितना देखा था दोस्तों, 1.5 लाख। फिर दोस्तों हमने सेक्शन 24 देखा, अभी हमने देखा था सेक्शन 24, ठीक है, जो कि था दोस्तों सेक्शन 24 में हमने क्या देखा कि सेक्शन 24 में दोस्तों जो हमारा इंटरेस्ट था वो कितना था, 2 लाख का, ठीक है। और दोस्तों अभी मैंने आपको क्या बताया, सेक्शन 24B में क्या है, आपको रिपेयर रिनोवेशन करना है तो आपको 30,000 रुपया पर साल का, ये सब नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, चीज़ आपको क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देखिए मिस्टर जी ने सेंक्शन किया है हाउसिंग लोन 25 लाख का फॉर अपने रेजिडेंस के लिए, और दोस्तों कितना टैक्स बेनिफिट मिस्टर जी क्या क्लेम कर सकते हैं दोस्तों, ये 80EA सेक्शन, एक नया सेक्शन है 80EA के अंतर्गत एडिशनल डिडक्शन ये क्लेम कर सकते हैं दोस्तों। तो याद रखिए इसका कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों। देखिए इस पार्टिकुलर सेशन में आपको कंसेप्ट भी बता रहा हूं, क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहा हूं, ये आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यदि आपको इस तरह के और कंटेंट चाहिए तो ये वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों को और प्रोवाइड कर सकूं। तो दोस्तों देखिए डिडक्शन जो इंटरेस्ट पेमेंट का है वो 1.5 लाख का है, वो है 80EA के अंदर। ये ओवर एंड अबव द है, जो 2 लाख का डिडक्शन मैंने बताया ना इंटरेस्ट पेमेंट का सेक्शन 24B में, उसके ऊपर है ये, ठीक है। तो सेक्शन 24B में जो 2 लाख का है उसके ऊपर ये 1.5 लाख का एडिशनल मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख। चलिए यहाँ तक क्लियर है दोस्तों आप लोगों का कंसेप्ट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए एक क्वेश्चन है कि XYZ बैंक था जिसके पास लिमिटेड नेटवर्क ऑफ ब्रांच है, उन्होंने इंटर किया क्रेडिट कार्ड बिजनेस में, द बैंक इज एडवाइस अगेंस्ट एंट्री। दोस्तों ये सब फालतू का चीज़ है, ठीक है, कार्ड के बारे में क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। फॉर XYZ बैंक द क्रेडिट कार्ड बिजनेस इज इन इनिशियल। अब दोस्तों जरा देखिए पढ़िए इसको कि बैंक इज एडवाइस अगेंस्ट एंट्रिंग बिजनेस है, द मार्केट इज अर्ली फ्लर्टिंग विद नंबर ऑफ कार्ड व्हिच इज फाइटिंग फॉर बिजनेस, इसको एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि अभी किस स्टेज में ये बिजनेस है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, तो ये इंट्रोडक्शन स्टेज में है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रेटजी वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर XYZ बैंक टू इम्प्रूव इट सेल्स ऑफ क्रेडिट कार्ड इन द मार्केट। यानी XYZ बैंक को यदि अपने क्रेडिट कार्ड सेल्स को इम्प्रूव करना है तो इनमें से कौन सा स्ट्रेटजी सबसे अप्रोप्रिएट होगा, पेनेट्रेशन, डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, ऑल ऑफ दिस। दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी सबसे यूजफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की फैक्टर ऑफ XYZ बैंक क्रेडिट कार्ड हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द मेंबरशिप ऑफ इट क्रेडिट कार्ड। तो यदि अपने क्रेडिट कार्ड का मेंबरशिप बढ़ाना है तो कौन सा की फैक्टर इसको हेल्प करेगा, प्लैटिनम कार्ड, फोटो कार्ड, इंटरनेशनल गेम कार्ड, लिमिटेड लाइबिलिटी कार्ड। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका प्लैटिनम कार्ड, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ श्रूड मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ XYZ बैंक टू बूस्ट द सेल ऑफ इट क्रेडिट कार्ड। यानी इनमें से कौन सा श्रूड मार्केटिंग स्ट्रेटजी है XYZ बैंक का अपने क्रेडिट कार्ड के सेल्स को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन ए कर रहा है लॉन्च ऑफ अ फोटो कार्ड ड्यूरिंग द इंटरनेशनल गेम्स विच रिड्यूसेस पोर्टेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ इस मिसयूज प्रोवाइडिंग द 3 कोर बेनिफिट ऑफ क्रेडिट कन्वीनियंस एंड कॉन्फिडेंस लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर थेफ्ट एंड मिसयूज। और डी कर रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ प्लैटिनम गोल्ड एंड क्लासिक कार्ड टू कैटर टू डिफरेंट मार्केट स्कीम। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है कि यदि वो प्लैटिनम गोल्ड और क्लासिक कार्ड को इंट्रोड्यूस कर दे अलग अलग मार्केट सेगमेंट में तो ये उसके क्रेडिट कार्ड के सेल को बूस्ट कर देगा, ठीक है, ऐसा सवाल पूछा गया था पिछले एग्जाम में। तो दोस्तों आप देखिए जब भी केस स्टडी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो घबराइए बिल्कुल मत, केस स्टडी को एक बार ध्यान से पढ़िए और दोस्तों अपने बेसिक कंसेप्ट को, अपने कॉमन सेंस को यूज कीजिए, आप इसका जवाब दे देंगे, ठीक है।
चलिए उसके बाद दोस्तों इसी केस स्टडी पे एक और क्वेश्चन है। गिवन द ब्रांच नेटवर्क ऑफ एक्स वाई जेड बैंक का जो ब्रांच नेटवर्क है उसको देखते हुए थ्रू विच आप किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से क्रेडिट कार्ड को इफेक्टिवली सोल्ड कर सकते हैं, से बेच सकते हैं, ऑनलाइन ब्रांचेज, ATM, इनडायरेक्ट चैनल। तो दोस्तों ब्रांच से जो है आप ब्रांच एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा जिसके द्वारा आप क्रेडिट कार्ड को इफेक्टिवली सोल्ड कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RBI ने इनेबल किया है फास्टर सेटलमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बाय इंक्रीजिंग सेटलमेंट साइड टू इतना बैच। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका 48 बैच, पहले था 23 बैच, इसको बढ़ाकर 48 बैचेस कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, शॉप ओनर सीज अ न्यू अननोन स्टिकर एट द लो कॉर्नर ऑन अ POS। तो POS के लो कॉर्नर पे शॉप ऑनर ने एक नया अननोन स्टिकर को देखा, तो यहाँ पे कैसा रिस्क है? द रिस्क इज अनऑथराइज अपसेट ऑफ स्टैंडर्ड लुक एंड फील, इज अनवांटेड मैसेज डिस्प्ले, मे हैम्पर मेंटेनेंस, मे हाइड अ प्रूफ ऑफ टेम्परिंग विद द मशीन। तो दोस्तों यहाँ पे रिस्क है दैट इट इज अनऑथराइज अपसेट ऑफ द स्टैंडर्ड लुक एंड फील। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे। दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस एट द एंड ऑफ एवरी डे बेस्ड ऑन करंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो कोई भी कार्ड होल्डर है वो क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहा है, तो उसके करंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे जितना ही पैसा बचा हुआ है तो इनमें से किसका आप लोग डेली बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं? फाइनेंस चार्ज को, मिनिमम अमाउंट ड्यू को, एनालाइज परसेंटेज रेट को, और मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड को। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका मिनिमम अमाउंट ड्यू। ठीक है, तो इसका आपको फॉर्मूला पता है ना, 250 रुपया या आपका 5%, तो ये दोनों में से जो मिनिमम होगा वो लिया जाता है। अब दोस्तों एक केस स्टडी है सर्फेसी एक्ट पे। ठीक है, योर बैंक है सैंक्शन हाउसिंग लोन ऑफ ₹50 lakh टू मिस्टर RK अगेंस्ट मॉर्गेज ऑफ हाउस ड्यू टू नॉन रिपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट द अकाउंट हैज टर्न इन NPA एज ऑथराइज ऑफिसर यू वांट इनिशिएट रिकवरी मेजर अंडर सर्फेसी। ठीक है, ये केस आपको दे दिया। अब एज पर सेक्शन 13(2) ऑफ द सर्फेसी एक्ट दोस्तों कह रहे हैं, यू द सिक्योर्ड क्रेडिटर मे रिक्वायर द बोरोअर बाई नोटिस इन राइटिंग टू डिस्चार्ज इन फुल हिज लायबिलिटी विद इन दैट पीरियड ऑफ नोटिस। मतलब नोटिस देने के कितने दिन बाद आप सिक्योर्ड क्रेडिटर ये चाहेंगे कि बोरोवर जो है डिस्चार्ज कर ले अपने फुल लायबिलिटी को, कितने दिनों के अंदर? 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन। तो दोस्तों याद रखिएगा 60 दिन। ठीक है, सेक्शन 13(2) के अंतर्गत। अब कंसिक्वेंट अपॉन रिसिप्ट ऑफ डिमांड नोटिस मिस्टर RK दैट इज बोरोवर मेक रिप्रेजेंटेशन एंड रेज ए सर्टन ऑब्जेक्शन। तो मिस्टर RK ने कुछ ऑब्जेक्शन रेज किया, तो कितना टाइमिंग पीरियड दिया गया है कि आप जो है रिप्लाई को बेस करें फैक्चुअल पोजिशन पे एज पर सेक्शन 13 है? 15 डे फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन, 15 डे फ्रॉम डेट ऑफ ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन लेटर, 7 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन एंड 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन लेटर। दोस्तों सर्फेसी एक्ट के हर एक पॉइंट को देखते जाइए, सवाल पूछा जाता है इसे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 15 डे फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन या रिप्रेजेंटेशन। 15 दिन, जब 15 दिन से जिस दिन आपको ऑब्जेक्शन या रिप्रेजेंटेशन आया है उसके 15 दिन के अंतर्गत आप जो है आपको रिप्लाई भेजना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों मिस्टर RK बीइंग एग्रीड बाय द मेजर टेकन बाय यू एज अ सिक्योर क्रेडिटर, तो वो नाखुश है और वो फॉर पोजिशन आपने हाउस का पोजिशन ले लिया, तो वो जो है एप्लीकेशन देगा DRT को हैविंग ज्यूरिडिक्शन हाउ मेनी डे फ्रॉम डेट ऑन विच सच मेजर कैन बी टेकन। तो ऐसे दिन कितने दिन के बाद जो है DRT को वो अप्रोच कर सकता है, ये सवाल है। 60 दिन, 45 दिन, 30 दिन या नन ऑफ दिस? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका 45 दिन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसका सही जवाब है 45 दिन। उसके बाद दोस्तों मिस्टर RK जो है ये तो मैंने बताया दिया। हाँ, अब दोस्तों DRT का जो फैसला आया उससे भी वो नाखुश है, तो वो DRT में जाके अपील करेगा। ठीक है, अलॉन्ग विथ फी भी देगा। तो कितने दिन के अंतर्गत DRT के ऑर्डर के बाद वो DRT में अप्रोच कर सकता है? तो 30 दिन का। तो पहले था 45 दिन है DRT के लिए और DRT के लिए 30 दिन है। ठीक है, और तो ये सब डेट ध्यान रखिएगा। उसके बाद बिफोर मेकिंग एन अपील टू डेप्ट रिकवरी, अब देखिए दोस्तों DRAT में अपील करने से पहले तो बोरोअर को कितना डिपॉजिट करना है? 50% ऑफ द डेबिट डिमांडेड बाय द बैंक और डिटरमाइंड बाय द DRT विच एवर इज लेस, यानी कि जो भी बैंक डेबिट डिमांड कर रही है उसका 50% या जो DRT डिमांड कर रही है जो भी कम हो, 50% ऑफ डेबिट डिमांडेड बाय द बैंक और डिटरमाइंड बाय DRT विच एवर इज मोर। दोस्तों याद रखिएगा 50% ऑफ डेबिट डिमांडेड बाय द बैंक और डिटरमाइंड बाय द DRT विच एवर इज लेस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इज नॉट ऑफर्ड टू डेबिट कार्ड होल्डर इन अ बैंक? तो पहला कर रहा है विड्रॉ नाउ पे लेटर, कैश विड्रॉल थ्रू ATM, पेमेंट टू सेलर थ्रू POS, ई कॉमर्स पेमेंट ऑनलाइन। तो ऑप्शन नंबर ए होगा विड्रॉ नाउ पे लेटर, ऐसा तो होता नहीं है डेबिट कार्ड में। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग चैनल ऑफर द हाइएस्ट लिमिट वाइल मेकिंग पेमेंट? तो हाइएस्ट लिमिट कौन सा बैंकिंग चैनल ऑफर करती है दोस्तों? UPI, दोस्तों UIP नहीं होगा, UPI होगा, NUUP,
ठीक है, नेफ्ट और एटीएम। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका नेफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग सर्विसेज कैन बी कैटेगराइज एज पारा बैंकिंग सर्विसेज अंडरटेकिंग बाय कमर्शियल बैंक? करंट डिपॉजिट, बैंक असोरेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिपॉजिटरी सर्विस, मॉर्गेज लोन। ए कर रहा है 1, 3 और 4, 2 कर रहा है, बी कर रहा है 2, 3 और 4, सी कर रहा है 1, 2, 3, 4, डी कर रहा है 2, 3, 4, 2, 3 और 5। दोस्तों पारा बैंकिंग में क्या क्या आता है, दोस्तों एक बार ध्यान रखिएगा, पारा बैंकिंग में आपका इसमें देखिए बैंक असोरेंस आएगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आएगा और डिपॉजिटरी सर्विस आएगा। करंट डिपॉजिट और मॉर्गेज लोन आपका पारा बैंकिंग में नहीं आता, क्योंकि पारा बैंकिंग मतलब बैंकिंग के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो कि बैंक करती है। तो करंट डिपॉजिट और मॉर्गेज लोन तो बैंक का अपना इनहेरेंट एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी है, तो वो पारा बैंकिंग में क्यों आएगा? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एज पर एक्सटेंड गाइडलाइन बैंक में एड स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ हाउस ड्वेलिंग यूनिट फॉर द प्रपोज ऑफ कैलकुलेशन एलटीवी रेशियो इफ द, अभी मैंने बताया था दोस्तों, ठीक है, यदि 1,00,000 से ज़्यादा नहीं है तो बैंक को रजिस्ट्रेशन चार्ज, देखिए अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, सिंपल सा चीज़ है, यदि बैंक का कॉस्ट, यदि हाउस का जो कॉस्ट है वो 1,00,000 से ऊपर है तो आपको ये सब जो चार्जेस हैं वो सब नहीं लेने हैं, और 1,00,000 से कम है ये सब चार्ज आपको लेने हैं। वही कह रहा है कि बैंक ऐड करेगी यदि कॉस्ट ऑफ हाउस जो है 1,00,000 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एलटीवी रेशियो के रिगार्डिंग, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंसेप्ट है वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज डन ऑन, तो वैल्यूएशन एग्रीकल्चर लैंड का किस बेसिस पे करते हैं? इनकम कैपिटलाइजेशन, इनकम मोनेटाइजेशन, सेल्स स्टैटिस्टिक्स, सेल्स कैपिटलाइजेशन मेथड। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका 1 और 3, यानी कि इनकम कैपिटलाइजेशन से होता है और सेल्स स्टैटिस्टिक्स से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट इज, ऑप्शन ए कर रहा है द फल्क्रम ऑन विच द इंटायर रिटेल बैंकिंग इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर ऑफ वेरियस सेटिस्फैक्शन ओनली वन एंड टू, ओनली टू एंड थ्री, वन टू एंड थ्री। तीनों का तीनों सही है, रिटेल बैंकिंग का फलक्रम होता है जहाँ पे रिटेल बैंकिंग इन्वॉल्व होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एनी डॉक्यूमेंट अदर देन अ विल, विल के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, हैज टू बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन डैश फ्रॉम डेट ऑफ एजुकेशन। एक होता है दोस्तों डेट ऑफ एजुकेशन और एक होता है दोस्तों डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो याद रखिएगा 4 महीना, 4 मंथ, मतलब आज आपने एग्जीक्यूट किया उसके 4 महीना के अंतर्गत उस विल को छोड़कर बाकी डॉक्यूमेंट को आपको प्रेजेंट करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 4 मंथ। ठीक है, आगे देखते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू फिजिकल फॉर्म। तो आपके पास जो सिक्योरिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, आप उसको फिजिकल फॉर्म में बदलते हैं तो इसे कहते हैं हम लोग रीमेटेरियलाइजेशन, और यदि फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक में बदलते हैं तो उसे कहते हैं डीमेटेरियलाइजेशन। तो यहाँ पे आंसर होगा रीमेटेरियलाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। इन केस ऑफ डैश द मॉर्टगेजी कैन स्यू फॉर फोरक्लोजर बट कैन नॉट प्रोसीड फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो मॉर्टगेजी है वो स्यू कर सकता है फोरक्लोजर के लिए लेकिन सेल नहीं कर सकता है प्रॉपर्टी को। सिंपल मॉर्टगेज, मॉर्टगेज बाय डिपॉजिटर टाइटल डीड्स, इंग्लिश मॉर्टगेज, मॉर्टगेज बाय वे ऑफ कंडीशनल सेल। तो करेक्ट आंसर होगा इसका मॉर्टगेज बाय वे ऑफ कंडीशनल सेल्स। आगे देखते हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए ये अब्राहम मास्लो से काफ़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, इनमें से कौन सा जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं नीड नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लो लॉ, पेंशनर लोन, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट, सीनियर सिटीजन टर्म इंश्योरेंस डिपॉजिट। तो पेंशनर लोन, ठीक है, ये जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड नहीं है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर वी नीड अ सेकेंड हाउसिंग लोन फ्रॉम योर बैंक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मास्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन द नीड ऑफ द कस्टमर विल बी क्लासिफाइड। तो सेकंड हाउसिंग लोन वो ले रहा है, क्या ये सोशल नीड होगा, क्या ये सेफ्टी नीड होगा, क्या ये स्टीम नीड होगा, क्या ये सेल्फ एक्सप्लेनेशन? तो ये दोस्तों ये स्टीम नीड है। ठीक है, दिस विल बी स्टीम नीड। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये एक बेसिकली केस स्टडी है, लगता है इसका मैंने, एक मिनट रुकिए, इसको मैं आपको बताता हूँ, इसका लगता है फर्स्ट पार्ट मैंने नहीं डाला है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको इसका क्वेश्चन समझाता हूँ दोस्तों। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट, मैं तुरंत आपको बताता हूँ क्वेश्चन एक्चुअली क्या है। ठीक है, मेन क्वेश्चन इसका लग रहा है कि छूट गया है। लेट मी टेल यू व्हाट इज द क्वेश्चन। एक मिनट वेट कीजिए दोस्तों, मैं आपको इसका क्वेश्चन बता रहा हूँ। हाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये था इसका, मैं क्वेश्चन यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ। इसका क्वेश्चन ये था दोस्तों कि आपने दोस्तों एक लोन सैंक्शन किया है 1,00,000 का,
एक लाख का, ठीक है, आपने 1 लाख का लोन सैंक्शन किया है, ठीक है, और एक सैंक्शन किया मिस्टर आरके को 1 लाख का लोन सैंक्शन किया है, और 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, और रिपेबल है 12 मंथ में, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन बताया था EMI बताइए, EMI बताना है आपको राउंड नियरेस्ट रुपीज़। तो दोस्तों मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ, देखिए लोन कितना का है, 1 लाख का है, ठीक है, लोन है 1 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम है 2 मंथ, तो रेट को हम क्या करेंगे, पर एनम है ना, ये इसको पर मंथ में बदलेंगे, तो 12 से भागा दे दीजिए तो 0.0083 आएगा। EMI का फॉर्मूला रट लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब वैल्यू पुट कीजिए, पी की जगह 1 लाख, आर की जगह 0.0083, और फिर टी की जगह आप एन की जगह 12 पुट करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 8790, ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर दोस्तों सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट इज द इंटरेस्ट कंपोनेंट इन द फर्स्ट EMI, तो पहला EMI में कितना इंटरेस्ट कंपोनेंट है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा, लोन अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 12, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट अमाउंट निकालने के लिए। लोन अमाउंट आपका कितना है, 1 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, 12 आपका ये है, ठीक है, परसेंटेज को बदलने के लिए हमने 100 से डिवाइड कर लिया, तो आंसर आ जाएगा 833.33 यानी 834, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 834 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट इन फर्स्ट EMI, तो दोस्तों प्रिंसिपल कंपोनेंट कैसे निकालेगा, तो टोटल EMI में से इंटरेस्ट को घटा दीजिए, तो 8790 में से 834 को घटाइएगा तो 7956 आ जाएगा, तो 7956 हमारा देखिए ऑप्शन नंबर सी इसके क्लोज है, 7959, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप जवाब दे दीजिएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सब्स्टिट्यूट द ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि रिटेल बैंकिंग की ग्रोथ को सब्स्टिट्यूट नहीं करता है, चेंजिंग कस्टमर डेमोग्राफी, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, एनी टाइम बैंकिंग, राइज ऑफ इंडियन मिडिल क्लास, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट फॉर रिटेल एसेट प्रोडक्ट, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट फॉर रिटेल एसेट प्रोडक्ट। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल बैंकिंग इंक्लूड फोकस टुवर्ड मास मार्केट सेगमेंट विच कवर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, एक्सटेंडिंग बैंकिंग फैसिलिटी टू स्मॉल एंड मीडियम साइज इन बिजनेस, डिलीवरी ऑफ सर्विस इन फिजिकल मीडियम, तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका 1 और 3 ओनली, यानी फोकस टुवर्ड मार्केट मास मार्केट सेगमेंट विच कवर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक्सटेंडिंग बैंकिंग फैसिलिटी टू स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है रिटेल बैंकिंग के परस्पेक्टिव में, तो रिटेल बैंकिंग B2C होता है आपको पता ही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रिटेल बैंकिंग चैनलाइजेस फंड फ्रॉम सेवर टू बोरोवर, द रोल ऑफ रिटेल बैंकिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, तो यहाँ पे फंड सेवर से बोरोवर में चैनलाइज करता है, इस केस में जो रिटेल बैंकिंग का जो रोल है वो है एसेट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और स्मार्ट कार्ड के पास क्या होता है, केवल प्रोसेसर होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन का सेट, तो होपफुली आपने इस लेसन को एंजॉय किया होगा, लेसन पसंद आया होगा, एक लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट फॉर रिटेल बैंकिंग एग्जामिनेशन, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं हमारे JIB NCIB मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके साथ लेकर आया हूं अपने रिटेल बैंकिंग का, जो हमारा 2022 का जुलाई वाला एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आस्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन फरवरी वाले हैं, कुछ क्वेश्चन जुलाई वाले हैं, इससे आपको पता चल पाएगा कि किस तरह का पैटर्न CIBIIBF जो है पूछ रही है रिटेल बैंकिंग के संदर्भ में। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग इसमें हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, आपकी प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, आप देख पाएंगे कि आप यदि किस टॉपिक को छोड़ रहे हैं तो उसे छोड़कर ना जाएं, उस टॉपिक को कंप्लीट करके जाएं। इसके अंदर डिजिटल बैंकिंग के भी सवाल हैं और रिटेल बैंकिंग के तो हैं ही हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी फीचर्स ऑफ CRM सॉफ्टवेयर, आपसे सवाल पूछा गया है कि जो CRM सॉफ्टवेयर होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसका प्राइमरी फीचर कौन सा है। ऑप्शन 1 था मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, ऑप्शन 2 था जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी और लोकेशन बेस्ड सर्विस, ऑप्शन 3 था कॉन्टैक्ट सर्विस सेंटर ऑटोमेशन। अब देखिए ये तो हमारा 1, 2 और 3 है, क्वेश्चन को ऑप्शन है 1 और 2 ओनली, 1 और 2 एक्चुअली में 1 और 3 होगा, गलती से 1 और 2 द्वारा लिखा गया है, सी है 2 और 3 ओनली और डी है 1, 2 और 3 ऑल। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 1, 2 और 3 ऑल, यानी कि दोस्तों चाहे आपका मार्केटिंग ऑटोमेशन हो और सेल्स फोर ऑटोमेशन हो, ये भी CRM सॉफ्टवेयर का फीचर है, जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी और लोकेशन बेस्ड सर्विस ये भी हमारा CRM सॉफ्टवेयर का फीचर है, और कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन भी हमारा CRM सॉफ्टवेयर का फीचर है। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं,
फॉर फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन अ कस्टमर ऑफ द बैंक मे टेक अ रिकोर्स टू बैंकिंग ओम्बड्समैन इन केस ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई टू इज इनिशियल कंप्लेंट फ्रॉम द बैंक विद इन। यानी कि मान लीजिए कोई एटीएम ट्रांजेक्शन फेल हो गया तो किसी बैंक का जो कस्टमर है वो बैंकिंग ओम्बड्समैन को रिकोर्स ले सकता है, यदि मान लीजिए कि उसको इनिशियल जो उसने कंप्लेंट डाला था उसका और उसको रिसिप्ट नहीं मिला तो कितने दिनों में ये रिकोर्स ले सकता है, 10 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में, या कोई टाइम लिमिट नहीं है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 डेज। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अपने प्लान्स के बारे में बता दूं। रिटेल बैंकिंग के हमने प्लान डाल रखे हैं ताकि आपको रिटेल बैंकिंग का कंटेंट आसानी से मिल जाए, स्टडी मटेरियल आपको आसानी से मिल जाए, आपको केवल पढ़ना है। दोस्तों प्लान में आपको पीडीएफ मिलेगा, इसके अंदर थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों इंक्लूडेड हैं, प्लस 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, प्लस टेलीग्राम पे एमसीक्यूज डिस्कशन होगा और प्लस वीडियोज़ होंगे। इसका कॉस्ट आपको पड़ेगा ₹300। प्लान भी में दोस्तों आपको पीडीएफ मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे और वीडियोज़ मिलेंगे, इसका कॉस्ट पड़ेगा आपको ₹250। इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं जो जैसे मैं आपको अपलोड करके दे रहा हूँ उसका पीडीएफ आपको मिलेगा। प्लान से मैं दोस्तों आपको पीडीएफ मिलेगा और फिर थ्योरी मिलेगा, उसका एमसीक्यूज मिलेगा। और दोस्तों प्लान डी में आपको 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे वो खासकर, इसका कॉस्ट है ₹89। यदि इन सभी को आप प्लान्स को लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप प्लीज़ मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 8292857381 पे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन लीड टू एन अनफेवरेबल क्रेडिट स्कोर, यानी कि अनफेवरेबल क्रेडिट स्कोर के पीछे कौन सा फैक्टर रहता है। अवॉइडिंग ओवर लिवरेजिंग, टू मेनी फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट सच एज अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन अमॉन्ग फैमिली मेंबर्स, ऑन टाइम लोन ईएमआई पेमेंट, टू मच अनसिक्योर्ड क्रेडिट सच एज मल्टीपल पर्सनल लोन। तो आपका क्रेडिट स्कोर अनफेवरेबल कब होगा बताइए, तो ऑप्शन डी सही होगा कि यानी मान लीजिए आपने बहुत सारा अनसिक्योर्ड क्रेडिट ले लिया है, जैसे कि मल्टीपल पर्सनल लोन ले लिया है इस कारण से। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कशन करते हैं। इन विच स्टेज अमॉन्ग डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ मार्केटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक अ डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ द मार्केट एंड मार्केटिंग एनवायरमेंट इन विच इट वुड बी इंट्रोड्यूसिंग इट प्रोडक्ट। मतलब आपको बताना है कि कौन से स्टेज में, मार्केटिंग का बहुत सारा स्टेज होता है ना, तो उसमें से कौन सा ऐसा स्टेज है जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एक डिटेल एग्जामिनेशन करती है मार्केट का और मार्केटिंग एनवायरमेंट का, जिसमें ये अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती है। मार्केट प्लानिंग, मार्केट इंप्लीमेंटेशन, मार्केटिंग एनालिसिस, मार्केटिंग कंट्रोल। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मार्केटिंग एनालिसिस। तो मार्केटिंग एनालिसिस में दोस्तों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक डिटेल एग्जामिनेशन करती है मार्केट का और मार्केटिंग एनवायरमेंट का, इन विच इट वुड बी इंट्रोड्यूसिंग इट प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांस रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन में बी कंसिडर्ड, यानी कि लोन का रिस्ट्रक्चरिंग किस सर्कमस्टांस में कंसिडर किया जाएगा। पहला, अनफॉर्सिन इवेंट, मेजर इलनेस, सोशल फंक्शन रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट आउटले ऑफ फंड इन फैमिली ऑफ द बोरोअर और एनी अदर सर्कमस्टांस दैट मे अफेक्ट द रिपेमेंट कैपेसिटी इन केस ऑफ सैलरीड क्लास बोरोअर हु आर ऑन लॉस ऑफ पे ड्यू टू लॉकआउट, स्ट्राइक, डिसिप्लिनरी एक्शन, डिलेड पेमेंट ऑफ सैलरी बाय एम्प्लॉयर, डिलेड कंप्लीशन ऑफ द हाउसिंग प्रोजेक्ट, डेथ और डिसेबिलिटी ऑफ द बोरोअर। फिफ्थ है, डिफॉल्ट इन मीटिंग पेमेंट रीपेमेंट ऑब्लिगेशन टू द लेंडर एंड हैज डाइवर्टेड द फंड फॉर अदर पर्पज नॉट इन टर्म्स ऑफ सैंक्शन। तो आपको बताना है कि रिस्ट्रक्चरिंग कहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, 1, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 4 एंड 5, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 5, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसको ऑप्शन सी, 1, 2, 3 एंड 5, 4 में नहीं। मान लीजिए कि बोरोअर का डेथ हो गया या डिसेबिलिटी हो गया तो उस केस में रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कंसिडर करते हैं, बाकी चारों केस में हम लोग रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे उस पर्टिकुलर लोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटेल बिजनेस मॉडल अप्रोच कंबाइंस ऑल सोशियो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट विद कोहेसिव अप्रोच टू टैकल बिजनेस प्रॉब्लम, यानी कि यदि आपको बिजनेस प्रॉब्लम को टैकल करना है तो कौन सा रिटेल बिजनेस मॉडल है जो कि सारे के सारे सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को कोहेसिव अप्रोच के साथ कंबाइन करते हैं, डिपार्टमेंटल अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच, स्ट्रेटजिक बिजनेस अप्रोच, सोशियो इकोनॉमिक अप्रोच। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच। दोस्तों यदि आपको इस तरह के कंटेंट चाहिए, आपको एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें थ्योरी हो, उसके बाद एमसीक्यूज हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, तो दोस्तों आपको प्लान को ऑप्ट कीजिए। प्लान में आपको सारा चीज़ मिलेगा, ठीक है, आपको वीडियोज मिलेंगे, थ्योरी मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, फुल एंड मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें दोस्तों आपको 400 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, ठीक है। डिटेल जानकारी के लिए नीचे मैं आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करें। जहाँ तक इस सवाल का, तो दोस्तों इस सवाल में मैंने आपको बताया कि जो हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है उसमें रिटेल बिजनेस मॉडल ऐसा अप्रोच है जो कि सारे सोशियो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को कोहेसिव अप्रोच के साथ कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, होस्ट सिक्योरिटी मॉडल इज स्पेशल सिक्योरिटी प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर विच वेयर कार्ड डाटा आर स्टोर्ड, इंक्रिप्शन प्रोग्राम, जनरेशन मॉड्यूल, अ हार्डवेयर पीस दैट अ मालवेयर कैन नॉट क्रॉस, अ टेम्पर प्रूफ हार्डवेयर। तो होस्ट सिक्योरिटी मॉडल क्या होता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है इंक्रिप्शन प्रोग्राम, जनरेटेड मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज फॉर मार्केटिंग ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट। दोस्तों जो भी सवाल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आप 100% गारंटेड प्रीवियस ईयर पूछा गया, ये मैंने मेमोरी बेस्ड रिकलेक्टेड क्वेश्चन है, जो लोग एग्जाम देकर आते हैं उनके द्वारा बताया गया क्वेश्चन सब है, एग्जैक्ट ऑप्शंस भी है, तो आप देख सकते हैं कि आप अपने प्रिपरेशन की लेवल क्या है आपकी। तो इनमें से कौन सा मार्केटिंग ऑफ रिटेल प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट के लिए यूज़ नहीं होता है, बल्क SMS, ईमेल कैंपेन, सोशल मीडिया, DDoS? तो करेक्ट आंसर इसका DDoS, बाकी तीनों का हमारा मार्केटिंग के लिए यूज होता है, चाहे बल्क SMS हो, ईमेल कैंपेन हो या हमारा सोशल मीडिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टॉपिंग अप ऑफ अ हाउस लोन जनरली इन्वॉल्व्स, टॉपिंग अप में क्या होता है, सैंक्शनिंग ऑफ एडिशनल लोन ओनली फॉर एक्वायरिंग सेकंड हाउस और फ्लैट, सैंक्शनिंग ऑफ एडिशनल लोन ओनली फॉर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, सैंक्शनिंग ऑफ एडिशनल लोन ओनली फॉर पेइंग स्टाम्प ड्यूटी एंड ब्रोकरेज, सैंक्शनिंग ऑफ एडिशनल लोन ओनली फॉर एक्वायरिंग फर्नीचर फिक्चर इन द न्यू हाउस। तो टॉपिंग अप का मतलब होता है दोस्तों कि आप एडिशनल लोन को सैंक्शन कर रहे हैं फर्नीचर या फिक्चर को एक्वायर करने के लिए नए हाउस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैंक स्टार्टेड यूजिंग डैश फॉर असेसिंग क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द एप्लीकेंट वाइल प्रोसेसिंग रिटेल सेगमेंट लोन एप्लीकेशन, यानी रिटेल सेगमेंट लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस करते वक्त बैंक जो है किसे किस मॉडल को यूज़ करने लगी ताकि वह एप्लीकेंट के क्रेडिट वर्दिनेस को एसेस किया जा सके। तो क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल, बैलेंस शीट एनालिसिस, एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट, क्रेडिट रिपोर्ट। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, क्रेडिट रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एज पर काउंटर साइक्लिक मेजर द स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग रेट फॉर इंडिविजुअल हाउसिंग लोन सैंक्शन अप टू 31 मार्च 2022 शैल बी, मतलब आपको बताना है कि प्रोविजनिंग रेट कितना होगा इंडिविजुअल हाउसिंग लोन के लिए जो कि 31 मार्च 2022 तक सैंक्शन किया गया है। तो 0.25%, 25%, 0.04%। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज 0.25%। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक केस स्टडी पूछा गया था, याद रखिएगा 0.25% होता है हमारा स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग का। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक्स वाई जेड बैंक विच हैज लिमिटेड नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज डिसाइडेड टू इंटर इनटू क्रेडिट कार्ड बिजनेस, द बैंक इज एडवाइस अगेंस्ट इंटरिंग बिजनेस एज द मार्केट इज ऑलरेडी फ्लडेड विद नंबर ऑफ कार्ड्स विद दे आर फाइटिंग फॉर बिजनेस, द चेयरमैन ऑफ द बैंक वॉज वेरी एग्रेसिव एंड फेल दैट इंटरिंग द क्रेडिट कार्ड मार्केट कैन बी प्रॉफिटेबल इफ डन करेक्ट, he constituted a core team to carefully study the market which finally came out with 3 different card aimed at 3 different segments, these cards are platinum, gold and classic, beside the product development team of xyz bank came out with the concept of photo card, every xyz bank card would have photo card photo the card holder reducing the chance of possible misuse in case of loss, introducing a photo card at then held international games improved the membership of its card because the customer liability was limited in the case of theft of the card, ye aapko data diya gaya hai। pehla question hai for xyz bank the क्रेडिट कार्ड मैनेज इन इट्स डैश स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइन स्टेज, ऐसा सवाल पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए एक्जैक्टली इंट्रोडक्शन क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, मैच्योरिटी क्या होता है, डिक्लाइन क्या होता है। दोस्तों इसका सही आंसर है इसका इंट्रोडक्शन स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रेटजी वुड बी मोर एप्रोप्रिएट फॉर एक्स वाई जेड बैंक टू इम्प्रूव इट सेल्स ऑफ क्रेडिट कार्ड इन द मार्केट, यानी एक्स वाई जेड बैंक यदि अपनी क्रेडिट कार्ड के सेल्स को बढ़ाने चाहती है मार्केट में तो कौन सा स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतर होगा, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, दैट इज मार्केट डेवलपमेंट। तो मार्केट डेवलपमेंट सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होगा एक्स वाई जेड बैंक के लिए अपने सेल्स ऑफ क्रेडिट कार्ड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, विच की फैक्टर ऑफ एक्स वाई जेड बैंक क्रेडिट कार्ड हेल्प इंक्रीजिंग द मेंबरशिप ऑफ इट क्रेडिट कार्ड, यानी क्रेडिट कार्ड की मेंबरशिप को बढ़ाने के लिए कौन सा की फैक्टर है एक्स वाई जेड बैंक का जो कि हेल्प करेगा इसकी मेंबरशिप को बढ़ाना, प्लेटिनम कार्ड, फोटो कार्ड, इंटरनेशनल गेम्स कार्ड, लिमिटेड लायबिलिटी कार्ड। तो आंसर है दोस्तों इसका प्लेटिनम कार्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द श्रीवुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ एक्स वाई जेड बैंक टू बूस्ट द सेल ऑफ इट क्रेडिट कार्ड, लॉन्च ऑफ फोटो कार्ड ड्यूरिंग द इंटरनेशनल गेम्स, प्रोवाइडिंग द 3 core बेनिफिट ऑफ क्रेडिट कन्वीनियंस एंड कॉन्फिडेंस, लिमिटेड लायबिलिटी फॉर थेफ्ट एंड मिस यूज, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेटिनम, गोल्ड एंड क्लासिक कार्ड टू कैटर टू डिफरेंट मार्केटिंग सेगमेंट। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्लेटिनम गोल्ड और क्लासिक कार्ड का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन द ब्रांच नेटवर्क ऑफ एक्स वाई जेड बैंक थ्रू विच डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल कैन द क्रेडिट कार्ड बी सोल्ड इफेक्टिवली, कि दोस्तों क्रेडिट कार्ड का जो को जो बेच रहा है ये तो किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से इफेक्टिवली बेचा जा सकता है, ऑनलाइन, ब्रांचेज, ATM, फिर लास्ट है इनडायरेक्ट चैनल। तो आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, दैट इज ब्रांचेज। RBI has enabled faster settlement of the process of NEFT, National Electronic Fund Transfer, by increasing the settlement cycle to dash batches. Select the most appropriate. 12, 23, 48, 24. Answer is 48 batches. Next question is, our shop owner seeks a new unknown sticker at a low corner on a POS. The risk is, तो जो शॉप ऑनर हैं वो एक अननोन स्टिकर लगा दिए हैं POS पे, तो रिस्क क्या है, अनऑथराइज अपसेट ऑफ द स्टैंडर्ड लुक एंड फिल, इज अनवांटेड मैसेज डिस्प्ले, मे हैम्पर मेंटेनेंस, मे हाइड अ प्रूफ ऑफ टैम्परिंग विद द मशीन। तो आंसर है दोस्तों इसका, इन अथोराइज
रिवाइज अपसेट ऑफ स्टैंडर्ड लुक एंड फील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर सेक्शन 13(2) ऑफ सरफेसी एक्ट, यू द सिक्योर्ड क्रेडिटर मे रिक्वायर द बोरोअर बाय द नोटिस इन राइटिंग टू डिस्चार्ज इन फुल इज लाइबिलिटी विद इन डेज फ्रॉम डेट ऑफ नोटिस। मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर को जो है को रिक्वायर किया जाएगा कि बोरोअर मे रिक्वायर द बोरोअर बाय नोटिस इन राइटिंग टू डिस्चार्ज इन फुल द लाइबिलिटी विद इन 25 days, 30 days, 45 days, 60 days। तो आंसर है दोस्तों इसका 60 days, नोटिस पीरियड से 60 दिन के अंतर्गत डिस्चार्ज करना पड़ेगा राइटिंग में, जिस दिन से राइट नोटिस दिया उसके 60 दिन के अंतर्गत। कंसिक्वेंट अपॉन रिसिप्ट ऑफ डिमांड नोटिस मिस्टर आर के वो बोरोअर है मेक्स रिप्रेजेंटेशन एंड रेजेस सर्टेन ऑब्जेक्शन विच इज टाइम व्हाट इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड रिप्लाई बेस्ड ऑन फैक्चुअल पोजिशन एंड मेरिट एज पर सेक्शन 13 ए। 15 डे फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन, 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन लेटर, 7 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन, 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन और रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर आर के बीइंग एग्रीड बाय द मेजर टेकन बाय यू एज सिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर टेकिंग पोजीशन ऑफ द हाउस मे टेक एप्लीकेशन टू द डीआरटी हैविंग ज्यूरिडिक्शन विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम डेट ऑन रिसीव सच मेजर आर टेकन। तो आंसर इसका 45 डेज। यानी वो जो है एप्लीकेशन डीआरटी को दे सकता है 45 दिन के अंतर्गत जिस डेट में मेजर वो लिया गया है। ठीक है, मिस्टर आर के बिंग एग्री बाय द ऑर्डर मेड बाय द डीआरटी कैन प्रीफर एन अपील अलॉन्ग विद सच फी एज प्रिस्क्राइब टू द एप्लीकेट ट्रिब्यूनल विद इन हाउ मेनी डेज। तो डीआरटी का ऑर्डर मिल गया फिर वो जो है अभी भी एग्रीव्ड है तो वो कितने दिन तक अपील कर सकता है फी के साथ डीआरटी में, एप्लीट अथॉरिटी वही होता है ना। तो आंसर है इसका 30 डेज। बिफोर मेकिंग अपील टू डीआरटी द बोरोअर हैज़ टू डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट करना पड़ता है, 50% ऑफ डेबिट डिमांडेड बाय द बैंक और डिमांडेड बाय डीआरटी विच एवर इज लेस, 50% ऑफ द डेबिट डिमांडेड बाय द बैंक और डिमांड बाय डीआरटी विच एवर इज मोर, 30% ऑफ डेबिट डिमांडेड बाय द बैंक और डिमांड बाय डीआरटी विच एवर इज लेस, और डी का नन ऑफ दिस। बताइए क्या सही आंसर होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों 50% ऑफ द डेबिट डिमांडेड बाय द बैंक और डिमांड बाय डीआरटी विच एवर इज लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इज नॉट ऑफर टू डेबिट कार्ड होल्डर इन अ बैंक, यानी बैंक के जो डेबिट कार्ड होल्डर है उनको कौन सा बेनिफिट नहीं मिलता है, विड्रॉल नाउ पे लेटर ऐसा नहीं है। ठीक है, कैश विड्रॉल थ्रू एटीएम, पेमेंट टू सेटलर, सेलर टू पीओएस, ई कॉमर्स पेमेंट ऑनलाइन। तो ऑप्शन ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग चैनल ऑफर द हाइस्ट लिमिट वाइल मेकिंग पेमेंट, सबसे ज़्यादा लिमिट कौन देता है, यूपीआई। दोस्तों पहला नंबर UIP लिख दिया गया है, वो गलत है, UPI होगा, NUUP नेशनल यूनिफाइड, और NEFT और ATM। तो आंसर है दोस्तों इसका NEFT, NEFT में कोई लिमिट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग सर्विसेज कैन बी कैटेगराइज एज पारा बैंकिंग सर्विसेज अंडरटेकन बाय कमर्शियल बैंक, पारा बैंकिंग सर्विस के अंदर कौन सा आता है। देख रहे हैं इस तरह का पैटर्न पूछा जा रहा है, तो आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर करने के लिए दोस्तों आप हमारे मटेरियल का हेल्प ले सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गेट डिटेल अबाउट ऑफ योर मटेरियल देन यू कैन सिंपली व्हाट्सएप ऑन द नंबर 8292857381। नाउ लेट अस स्टडी कि पारा बैंकिंग सर्विस किसे कहा जाता है, करंट डिपॉजिट, बैंक इंश्योरेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिपॉजिटरी सर्विस, मॉर्गेज लोन, 1, 3 और 4, 2, 3 और 4, 1, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 5। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी, दैट मीन्स 2, 3 और 4, यानी कि बैंक इंश्योरेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और डिपॉजिटरी सर्विस, ये सब हमारा पारा बैंकिंग में आता है, बाकी करंट डिपॉजिट और मॉर्गेज लोन हमारा पारा बैंकिंग में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर एक्सटेंड गाइडलाइन बैंक में एड स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्ज एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ हाउस ड्वेलिंग यूनिट ड्वेलिंग अंटिल फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग LTV रेशियो इफ द कॉस्ट ऑफ हाउस डो नॉट एक्सीड। यानी कि बैंक जो है स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्ज और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज को जोड़ देती है हाउस के कॉस्ट में या ड्वेलिंग यूनिट के कॉस्ट में ताकि LTV रेशियो कैलकुलेट कर सके। यदि हाउस का जो कॉस्ट है वो 30 लाख से ज़्यादा नहीं हो, 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो, 75 लाख से ज़्यादा नहीं हो, या 10 लाख से ज़्यादा नहीं हो, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज 10 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज डन ऑन इनकम कैपिटलाइजेशन, इनकम मोनेटाइजेशन, सेल स्टैटिस्टिक्स, सेल कैपिटलाइजेशन मेथड। ये आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर लैंड का वैल्यूएशन कैसे होता है, 1, 2 और 3, 2 और 4, 1 और 3, 1 और 4। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन सी, दैट इज 1 और 3, दैट मीन्स इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड और सेल स्टैटिस्टिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट इज और आर द फल्क्रम ऑन विच द एंटायर रिटेल बैंकिंग रिवॉल्व्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल्स, कॉम्प्लेक्स कल्चरल क्लस्टर ऑफ
वैल्यू सेटिस्फैक्शन, वनली वन एंड टू, वनली टू एंड थ्री, वन टू एंड थ्री। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन दैट इज वनली वन टू एंड थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनी डॉक्यूमेंट अदर देन अ विल हैज़ टू बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन डैश फ्रॉम डेट ऑफ एजुकेशन। यानी दोस्तों विल को छोड़कर बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसको कितने दिनों में एजुकेशन के डेट के अंतर्गत प्रेजेंट करना होता है, 4 मंथ, 90 डेज, 120 डेज, वन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका 4 मंथ, 4 मंथ के अंदर आपको एजुकेशन डेट के अंतर्गत उसको प्रेजेंट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू फिजिकल फॉर्म। यानी आप सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? ऑप्शन एक आ रहा है रीमेटेलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन, फॉर्मुलेशन, डीमेटेलाइजेशन। तो इसको कहा जाता है दोस्तों रीमेटेलाइजेशन, यानी आप इलेक्ट्रॉनिक को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन केस ऑफ डैश द मॉर्टगेजी कैन सू फॉर फोरक्लोजर बट कैन नॉट प्रोसीड फॉर सेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब किस केस में मॉर्टगेजी जो है वो फोरक्लोजर के लिए सू कर सकता है लेकिन वो प्रॉपर्टी के लिए सेल के लिए प्रोसीड नहीं कर सकता? सिंपल मॉर्टगेज, मॉर्टगेज बाय डिपॉजिटर, टाइटल डीड्स, इंग्लिश मॉर्टगेज, मॉर्टगेज बाय वे ऑफ कंडीशनल सेल। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, दैट इज मॉर्टगेज बाय वे ऑफ कंडीशनल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द नॉट अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लो थ्योरी ऑफ नीड। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कौन सा नहीं है? पेंशनर लोन, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट, सीनियर सिटीजन टाइम डिपॉजिट प्रोडक्ट, रिटायरमेंट सॉल्यूशन इन बैंकिंग एंड पेंशन प्लान इन इंश्योरेंस। दोस्तों मास्लो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाइएगा अच्छे से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज पेंशनर लोन। नेक्स्ट है, मिस्टर वी नीड अ सेकेंड हाउसिंग लोन फ्रॉम योर बैंक अकॉर्डिंग टू मास्लो थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन द नीड ऑफ द कस्टमर विल बी क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी। मतलब एक लोन ले चुका है, दूसरा लोन लेना चाह रहा है, सोशल नीड, सेफ्टी नीड्स, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्सप्लाइजेशन नीड, इसको कहते हैं एस्टीम नीड। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है केस स्टडी है, आपने 1 लाख का लोन सैंक्शन कर दिया, मिस्टर आर के इंटरेस्ट है 10%, रिपेबल इन 12 मंथ, ईएमआई निकालना है। तो ईएमआई का फॉर्मूला आपको पता है, ईएमआई निकालिए 9167 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपको बताना है कि इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना होगा फर्स्ट ईएमआई में। तो दोस्तों इसका मैंने अपने पेड मेंबर को बहुत ही अच्छे तरीके से इनको समझाया है इसे कैलकुलेशन को। तो इंटरेस्ट कंपोनेंट जो आएगा इसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो यू विल गेट ₹833। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रिंसिपल कंपोनेंट फर्स्ट ईएमआई में कितना होगा। तो दोस्तों इसको भी मैंने अच्छे से समझाया था अपने वीडियो चैनल में। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट यू विल गेट ₹7959, ऑप्शन सी। ओके, सो इफ यू वांट डिटेल सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू मस्ट सब्सक्राइब टू अवर चैनल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सब्स्टिट्यूट द ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा डाटा है जो कि हमारे रिटेल बैंकिंग के ग्रोथ को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता? ठीक है, चेंजिंग कस्टमर डेमोग्राफी, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, एनी टाइम बैंकिंग, राइज ऑफ इंडियन मिडिल क्लास, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट फॉर रिटेल एसेट प्रोडक्ट। तो डज नॉट सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो आंसर होगा इसका दोस्तों इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट फॉर रिटेल एसेट प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल बैंकिंग इंक्लूड फोकस टुवर्ड मास मार्केट सेगमेंट विच कवर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, एक्सटेंडिंग बैंकिंग फैसिलिटी टू स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस, डिलीवरी ऑफ सर्विस इन फिजिकल मीडियम, 1 एंड 3, 2, 3 एंड 4, 1, 2 एंड 4 एंड 1, 2, 3 एंड 4 ऑल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1 एंड 3। दैट इज इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मास मार्केट सेगमेंट पे इसका फोकस रखता है जो कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को कवर करता है, और थर्ड है हमारा एक्सटेंडिंग बैंकिंग फैसिलिटी टू स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एप्रोप्रिएट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग, इंडिविजुअल सेगमेंट, मास मार्केट, B2C से अप्रोच, होलसेल क्लाइंट, स्मॉल सेगमेंट, B2B अप्रोच, हाई टिकट साइज, हाई रिस्क, लो रिटर्न, मॉनिटरिंग, लेस लेवरियस, हाई डिपॉजिट कॉस्ट, डी कर रहा है बोथ CB and C। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडिविजुअल सेगमेंट और मास मार्केट, दैट इज B2C अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिटेल बैंकिंग चैनलाइजेस फंड फ्रॉम सेवर्स टू बोरोवर, दिस रोल ऑफ रिटेल बैंकिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। यानी रिटेल बैंकिंग जो है फंड को चैनलाइज करता है सेवर से बोरोवर को, इस रोल को क्या कहा जाता है? एसेट ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, मनी क्रिएशन, और लास्ट है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। सो इट इज कॉल्ड एसेट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कि आप जो है फंड को चैनलाइज कर रहे हैं सेवर से बोरोवर को, इसको हम लोग एसेट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। स्मार्ट कार्ड हैज माइक्रो प्रोसेसर, रैम रोम, बी कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर रैम, ईप्रोम रोम, सी कर रहा है ओनली एन माइक्रो प्रोसेसर, डी कर रहा है ओनली एन एपलेट एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो स्मार्ट कार्ड में क्या होता है दोस्तों, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। देखिए ये डिजिटल बैंकिंग से सवाल पूछा गया था, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं डिजिटल बैंकिंग से। नेक्स्ट है, अ POA एग्जीक्यूटेड अब्रोड मस्ट बी स्टाम्प्ड इन इंडिया विद इन अ पीरियड। ठीक है, एक POA है जो कि एग्जीक्यूट किया गया है अब्रोड में, उसका भारत में स्टाम्प कितने पीरियड में हो जाना चाहिए? 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, 4 मंथ फ्रॉम रिसीप्ट इन इंडिया, एनी टाइम बिफोर इट पुट इन टू यूज, विद इन 3 मंथ ऑफ रिसीप्ट इन इंडिया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, विद इन 3 मंथ ऑफ इट रिसीप्ट इन इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्विक फैक्स, ट्रांस यूनियन, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स। आंसर है क्विक फैक्स। ठीक है, देखिए 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है भारत में, क्रिसिल, इकरा, केयर, इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, एक्यूट रेटिंग रिसर्च। तो दोस्तों आपको, आप देख सकते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन हुआ, इसके रिलेटेड जो कंसेप्ट है ये भी मैंने बताया है। तो मेरे एमसीक्यूज में ये आपको मिलेगा कि आपको जो भी क्वेश्चन है उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वही मैंने बताया है। अब आपसे अगली बार पूछ देगा कि बताइए क्रिसिल दे देगा, इकरा दे देगा, केयर दे देगा और चौथा नाम कुछ और दे देगा। आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, या भारत में कितने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो ये जो एक्स्ट्रा डाटा मैं आपको एमसीक्यू के साथ प्रोवाइड करता हूँ, आप उसका हेल्प ले सकते हैं। तो आंसर होगा इसका 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो आप देख सकते हैं आपके सामने हैं। नेक्स्ट है मॉरेटोरियम पीरियड फॉर ऑटो लोन। ऑटो लोन का मॉरेटोरियम पीरियड कितना होता है, 1 साल, 6 मंथ, होलीडे पीरियड भी कहते हैं उसको, 3 मंथ और नील। मॉरेटोरियम पीरियड को होलीडे पीरियड भी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, नील। दोस्तों एक सवाल है कि एक हाउसिंग लोन है जो कि फुल्ली सिक्योर है मॉर्टगेज के द्वारा, LTV रेशियो इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 80% बट लेस देन इक्वल टू 90% विल हैव रिस्क वेट ऑफ। मतलब LTV रेशियो आपको दे रखा है कि 80 और 90 के बीच में है, 80 और 90% के बीच में है, तो उसका LTV रेशियो क्या होगा। और ये जो हाउसिंग लोन है वो फुल्ली सिक्योर्ड है मॉर्गेज के द्वारा। ऑप्शन ए है 0%, 20%, 50%, 100%। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 50%। दोस्तों चार्ट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के लिए रिटेल बैंकिंग के अंदर कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस कवर्ड है, पेंशनर लोन, रिटायरमेंट सिचुएशन, पेंशन प्लान इंश्योरेंस, सीनियर सिटीजन डिपॉजिट, एनी ऑफ द है, बोथ ए एंड बी। आंसर है बोथ ए एंड बी, दैट इज पेंशनर लोन एंड सीनियर सिटीजन लोन। ये दोनों के दोनों दोस्तों सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के लिए इंक्लूडेड है। एक क्वार्टरली रिपेमेंट ऑफ लोन है, इसका इंटरेस्ट रेट है 8% पर एनम, इफेक्टिव रेट एनुअल इंटरेस्ट रेट पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, द करेक्ट आंसर इज 8.25%। ठीक है, 8.25%। द पार्टीज टू द फंड नेफ्ट सिस्टम आर, कौन कौन से पार्टीज होते हैं, सेंडिंग बैंक, नेफ्ट क्लियरिंग बैंक, रिसीविंग सर्विस सेंटर, 5 पार्टीज होते हैं। तो इनमें चारों पार्टीज करेक्ट हैं, सेंडिंग बैंक होंगे, नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर होंगे, रिसीविंग सेंटर सर्विस सेंटर होंगे। अ पर्सन आर विल टेक लोन, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। प्रोपोगेट मॉडल में आर क्या होता है, ओ क्या होता है, जी क्या होता है, टी क्या होता है, ई क्या होता है, पी होता है प्रोडक्ट, आर होता है रिस्क, ओ होता है अपॉर्चुनिटी, पी होता है पीपल, ए होते हैं एपिटाइट, जी होते हैं ज्योग्राफी, ए होते हैं एट्रीब्यूट, टी होते हैं ट्रेनिंग और ई से होता है एजुकेशन। प्राइमरी फीचर क्या होता है, ये हमने पहले ही देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। हाँ ये देखिए, ये सवाल पूछा गया था, म्यूनिसिपल वैल्यू 32,000 दे रखा, 3,20,000 है, फेयर रेंट 3,50,000 है, स्टैंडर्ड रेंट 3,70,000 है, म्यूनिसिपल टैक्स 10% है, इंटरेस्ट ऑन फंड बोरोड 5 ईयर बैक ऑफ परचेज 42,000 है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, आप म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू को कंपेयर कीजिए, फेयर रेंट को, तो जो ग्रेटर वैल्यू है उसको चूज कीजिए। तो बताइए म्यूनिसिपल वैल्यू आपका 3,20,000 है, फेयर रेंट आपका 3,50,000 है, ज़्यादा वैल्यू 3,50,000 का है, यानी फेयर रेंट को आप चूज कीजिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद स्टेप टू में क्या है कि आपको फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करना है। तो फेयर रेंट तो आपका 3,50,000 है और स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 3,70,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू लेना है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 3,70,000 का। ठीक है, तो जो मिनिमम वैल्यू आया ना वही आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना हो जाएगा, 3,50,000। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से आपको मैक्सिमम लेना है और फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में से आपको मिनिमम लेना है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सेकंड पूछेगा आपसे कि म्यूनिसिपल टैक्स कितना पेमेंट हुआ, तो म्यूनिसिपल टैक्स का 10% है, 10% किसका, तो जो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना है, 3,50,000 है, तो 3,50,000 का 10% निकालिएगा आप, तो आपको मिल जाएगा 35,000। तो यही है सवाल था। तो दोस्तों आज का सवाल कैसा लगा आपको, यदि आप इस तरह के और भी एमसीक्यू सेशन चाहते हैं दोस्तों, यदि आप इस तरह के और भी PDF चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, यदि ऐसा सवाल पूछा जाने का ज़्यादा संभावनाएं रहता है, आप यदि किसी टॉपिक को छोड़ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर कर लिया जाए। दोस्तों आप पेड प्लान के लिए अपीयर होइए, आप यदि 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट में अपीयर होइए, इस तरह के 400 क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा, PDF सॉल्यूशन मिलेगा और आपको करेक्ट आंसर पता चलेगा, आपका करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन का। इन सभी डिटेल जानकारी के लिए मुझे 8292857381 पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करूँगा। लेसन में बने रहने के लिए धन्यवाद, और भी लोगों को जोड़िए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।